धनबाद जिले के नोटरी के समीप नाले की उड़ाही के दौरान नगर परिषद कर्मी द्वारा शराब की खाली बोतलें सैकड़ों की संख्या में निकाली गई है। इससे कहीं न कहीं शराबबंदी कानून की धज्जिया उड़ाई जा रही है। ऐसी बात ग्रामीणों ने मीडिया से बताया कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, बावजूद इसके शराब की बोतलें नाली से मिलना कहीं न कहीं सरकार के लिए चुनौती से कम नहीं है। शराबबंदी के नाम पर केवल गरीबों को शोषण किया जा रहा है। सरकार के सामने शराबबंदी होने के बावजूद अगर नाले से शराब की बोतल मिलती है तो कहीं न कहीं शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर सरकार और स्थानीय प्रशासन क्या अगली कार्रवाई कर पाती है। दिनेश कुमार की रिपोर्ट। कहाँ पर? होरिलगंज में नाला में से बोतल निकला है। क्या चीज का बोतल है? शराब का है, यानी शराब चालू है यहाँ पे। नाम क्या हुआ तेरा? रामू। के द्वारा सफाई का कार्य यहाँ पर शुरू किया गया था, जिसमें पूरी तरह से नीतीश कुमार जी का पोल खोल के रख दिया है, यानी कि नंगा करके रख दिया उसको कहिए। और देख सकते हैं आप यहाँ पर कितने बोतल मिला है, ये आया कहाँ से। जैसे कहा जाए कि भूत दिखता नहीं है लेकिन रहता सब जगह है, उसी तरह से हमको लगता है कि दारू जो है नीतीश कुमार का भूत है, दिखता कहीं नहीं है, मिलता सब जगह है। कहाँ ये नाला में इस्तेमाल करके लोगों ने नाला में डाल दिया था बोतल को, और जब आज सफाई हो रहा है तो सामने नज़र आ रहा है। कितना बोतल निकला होगा? लगभग 200-300 बोतल से कम तो नहीं नज़र आ रहा है। क्या लगता है कि बिहार में शराबबंदी का? पूरी तरह से शराबबंदी जो है इसका कोई माने नहीं है। झूठ मूठ का गरीबों को परेशान करने के लिए एक ये लाया गया है। आप जा करके देखिए जेल का हालत, आज जा करके देखिए तो शराब के नाम पे आधा से ज़्यादा वहाँ कैदी जो है शराब के नाम पे बंद है। गरीब गुरुओं को पकड़ करके हर एतवार को उससे 2 से 3 हज़ार रुपया वसूल किया जाता है, और वहीं पर छोड़ दिया जाता है। तो ये नीतीश कुमार ने एक ये बना लिया है, इसी तरह से गरीबों का दोहन कहिए।